डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम मैथ्स का यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे, कैलकुलेटिंग। अब इसमें हमने कैलकुलेटिंग में जो है एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर इसमें पढ़ेंगे, और टू डिजिट नंबर को एक्सप्लेन करना, उसको सॉल्व करना, उसको डिफरेंट वे से उनकी प्रेजेंटेशन देना, और उसके अलावा सब्ट्रैक्ट जो है, हम टू डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 के राउंड अबाउट नंबर्स में से। फिर इसमें हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, और इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों जो हैं हम इनमें सीखेंगे। अब गेटिंग स्टार्ट, फाइंड द मिसिंग आंसर। अब यहाँ पे हम मिसिंग आंसर्स फाइंड करेंगे। अब 32 प्लस 6, 6 प्लस 2, 8, 3 का 3, 7, 7, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, 7 का 7 आ जाएगा 6, और 6 माइनस 1। अब 6 में से 1 माइनस किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। अब ये मिक्सअप क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से कुछ माइनस के दिए हैं और कुछ प्लस के। अब ये प्लस का क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है, 1 में अगर हम 0 प्लस करते हैं तो 0 की कोई प्लस वैल्यू नहीं होती, सो दैट्स व्हाई हमारा 1 का 1 आ जाएगा, 5 प्लस 1 6। अब 7 में से 5 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 2, और 2 का 2 वैसे ही आ गया। अब 6 में 0 प्लस किया तो 6 की जो 0 होता है उसकी कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमारा जो आंसर हुआ होगा वो 6 का 6 आ जाएगा, और 7 में 2 प्लस किया तो हमारा जो आंसर है ये यहाँ पे 7 प्लस 2 9। नेक्स्ट है 92 माइनस 40। अब 2 का हमारा आंसर 2 आ जाएगा, 9 में से 4 माइनस किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। अच्छा, यहाँ पे कुछ छोटी सी एक्टिविटीज़ को तौर पे थोड़ा सा बच्चों का दिखा के आप लोगों को एक वर्कशॉप के तौर पे एक छोटा सा दिखाया गया है कि वी नीड 45 चेयर्स, हमें 45 चेयर्स चाहिए, तो हम इनको किस किस वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप 21 प्लस 24 का किया है कुछ स्टूडेंट्स ने, ठीक है, और दैट्स 9 टावर ऑफ, अगर हम 45 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो उसने अपना आंसर 9 निकाला हुआ है। मतलब कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिफरेंट वे से बच्चों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है अपने कार्ड्स के थ्रू। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू डिजिट्स नंबर। अब हमने इसमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट मतलब कि माइनस भी करना है टू डिजिट्स नंबर्स को। अब 21 प्लस 47, अब 68, अब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 68 आ जाएगा। अब 35 प्लस 62 हमारा आंसर जो आ जाएगा 97 आ जाएगा। उसके अलावा 54 प्लस 32 तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 54 प्लस 32 86 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 64 प्लस 25, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, 89, 71 प्लस 16, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 46 प्लस 32, 6 प्लस 2 8, 4 प्लस 3 7। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया गया है कि कुछ कोई भी अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको टेंस और वंस को सेपरेट करें। तो हमने एक क्वेश्चन नंबर ई एंड एफ, लास्ट टू क्वेश्चंस जो हैं उनको चूज़ किया है करके, हमने जो 80 है 80 को टेंस में अलग से कर दिया है, और 89 सॉरी ये वाला क्वेश्चन है 89 80 को अलग कर दिया है और 9 को अलग कर दिया है। अब यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन है 78, अब हमने इसमें से 70 को सेपरेट कर दिया और 8 को सेपरेट, मतलब कि टेंस हमने सेपरेट कर दिए हैं और वंस जो हैं वो हमने सेपरेट कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ आप लोगों को एग्जांपल्स के तौर पे जो है थोड़ा सा पिक्चराइजेशन के थ्रू आपको दिखाया गया है, 67 माइनस 32 इज इक्वल टू 35। अच्छा, अब ये हैं टेंस और इनको वंस में किया है। टेंस में अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, अब जो टेंस वाले बॉक्स में आएगा वो 1 जो हमारा बीन है वो हमारे 10 को शो करेगा। अगर हम वंस वाले में जाते हैं तो हमारा 1 बीन जो है वो 1 को शो करेगा। इट्स मीन के 10 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पे आ गया हमारा 60 और ये 7, 67 हमारा टोटल इसका जो है आंसर, ये 67 आ गया। अब 67 के साथ है हमारा 32। अब इसमें ये हमने करना क्या है कि हमारा जो 30 है 10, 20, 30, 30 ये आ गया और 67 के साथ है हमारा 32। अब हम जो बाकी सारे करेंगे कि हम दो बीन्स जो हैं इनको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमने 3 बीन्स ये वाले सेलेक्ट किए हैं और 2 बीन्स जो हैं हमने ये वाले सेलेक्ट करके, तो हमने कहा है कि हमारा 32, 67 माइनस 32। अब 67 माइनस 32 किया तो हमारा आंसर जो आ गया 35 आ गया। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक्सप्लेन किया गया है।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बुक पेज नंबर 150 जो पे जो है वो एक्सप्लेन किया है सॉल्व ईच नंबर सेंटेंस शो योर स्टेप्स। अच्छा, उन्होंने 58 माइनस 35 दिया हुआ, तो 58 की जो 8 की जो कैलकुलेशन है उन्होंने यहाँ पे दी हुई है 51, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 58, और दूसरी कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद से अपनी नोटबुक के ऊपर ड्रॉ करनी है। 58 माइनस 35, अब 58 में से हमने जो माइनस करना है उसको 35 को माइनस करना है। अगर हमारे पास है 58 माइनस 35, 8 में से 5 माइनस किया 3, 5 में से 3 किया 2, 23 हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 23। 76 माइनस 41, अब इसको उन्होंने रीग्रुप किया हुआ है 70 और माइनस 4, 70 में से उन्होंने 4 को माइनस किया है, फिर उन्होंने 6 में से 1 को माइनस किया है, 70 में से 4 को माइनस किया तो 30, 6 में से 1 को माइनस किया तो 5, इट्स मीन हमारा जो आंसर आ जाएगा 35। 67 माइनस 26, अब 60 में से उन्होंने सबसे पहले 20 को माइनस किया है, मतलब 10s में से 10s को माइनस किया है और 1s में से 1s को माइनस किया है। 60 में से 20 माइनस किया 40, और 10s में जब 1s में हम जाएंगे 7 में से 6 माइनस किए तो हमारा 1, इट्स मीन के हमारा 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 40।